वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। आज मैं आपको पितृपक्ष के दौरान कौवे का महत्व, कौवे जो पक्षी रूप में होते हैं उनके महत्व के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या होता है कौवे का काम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कौवे दिवंगत परिजनों के हिस्से का खाना खाते हैं तो पितरों को शांति मिलती है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। लेकिन पितृ दूत कहलाने वाले कौवे आज नजर नहीं आते हैं। बढ़ते शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और ऊंची इमारतों के कारण प्रकृति का जो हास्य क्षति हुआ है उसने कौवे की संख्या को कम कर दिया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कौवे एक मात्र ऐसा पक्षी है जो पितृदूत कहलाता है। यदि दिवंगत परिजनों के लिए बनाए गए भोजन को यह पक्षी चख ले, खा ले तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कौवा सूरज निकलते ही घर की मुंडेर पर बैठकर यदि वह कांव कांव की आवाज निकाल दे तो घर शुद्ध हो जाता है। श्राद्ध के दिनों में यानी कि पितृ पक्ष के दिनों में इस पक्षी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि श्राद्ध के 16 दिनों में यह घर की छत का मेहमान बन जाए तो इसे पितरों का प्रतीक और दिवंगत अतिथि स्वरूप माना जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा से पकवान बनाकर कौवे को भोजन कराते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में कौवे को देवपुत्र माना है और यही वजह है कि हम श्राद्ध का भोजन कौवे को अर्पित करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान सभी जितने भी जातक हैं, पितृपक्ष के दौरान अगर वो स्नान कर दान पुण्य करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उनको इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। जो पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते, पितरों का तर्पण नहीं कर पाते, वो कभी भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो उनको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। तो पितृ पक्ष के दौरान तर्पण आदि अवश्य करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा और आपके पितर आशीर्वाद देकर के जाएंगे कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें और घर में कोई कभी परेशानी ना हो। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।